या जो सत्ता में बैठी हुई शिवसेना है अगर वो राजशाही या अफसरशाही चला रही है, तो जो विपक्ष है वो भी तो इतना ज्यादा मजबूती के साथ इस बात को नहीं उठा पा रहा है शायद कि चुनाव होने चाहिए। कोई बड़ी पहल चुनाव के लिए तो नहीं नजर आ रही है, क्या कारण आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो राजनेताओं को देखा है, मुझे ऐसा फील होता है कि इनको दरअसल, अगर आप देखने जाए तो इनको दरअसल जनता से बहुत कम मतलब होता है, इनको अपने स्वार्थ से बहुत ज्यादा मतलब होता है। और यही कारण है कि इन सबों को आप ये कह सकते हैं कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और एक ही थैली के चट्टे बट्टे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ, पर्सनली मैं नवी मुंबई महानगर पालिका की बात कर रहा हूँ, अभी जो हमारे यहाँ प्रशासक के रूप में आयुक्त हैं, उनका एक बहुत ही सुंदर, आप कहिए कि सत्ता चलाने का एक उनका तरीका है, वो सारे मतलब पार्टी के लोगों को खुश करके रखते हैं। मतलब वो पार्टी का आया तो उसके भी दो काम को उन्होंने मंजूरी दे दी, वो पार्टी का आया तो उसके भी दो काम को मंजूरी दे दी, वो आया तो उसको भी दे दी। मतलब किसी से उन्होंने बैर नहीं कर रखा है और सबको खुश करके वो आसानी के साथ अपना जो उनको भी जो एक तरह से समझिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको भी जो मलाई खाना है वो सबको मिला जुला करके वो मलाई खाने में व्यस्त है। आपने उनके ऊपर बहुत संगीन आरोप भी लगाए थे कि आपने करोड़ों रुपए का उनके माध्यम से घोटाला हो रहा है। देखिए, मैं तो ये बहुत क्लियर कहता हूँ कि नवी मुंबई महानगर पालिका हो या कोई भी महानगर पालिका हो, अगर वहां का आयुक्त ईमानदार होगा तो जिस लेवल पर भ्रष्टाचार आपको दिखाई पड़ता है वो दिखाई ही नहीं पड़ सकता है। अरे साहब, आप आयुक्त हो, आप दो मिनट में किसी का भी चीरफाड़ कर सकते हो, सारी फाइलें आपके टेबल तक आती हैं और आपका जब लास्ट सिग्नेचर होता है तब पेमेंट होता है किसी को। तो वैसी स्थिति में अगर कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और आपका सिग्नेचर उसके पेमेंट को अदायगी करने में आपका सिग्नेचर है, तो आप अपने जिम्मेदारी से कैसे वंचित हो सकते हो? आप 100% आप जिम्मेदार हो। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।